हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। तो आज मैं फिर एक और नया मैसेज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, न्यू रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, और जो रेजोनेट ना हो ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों के नाम शाउट आउट करूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, ठीक है। तो घनश्याम मीना जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप मुझे हमेशा सुपर थैंक्स भेजते हैं। आलिया परवीन, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका एक मैसेज था आपके लिए कि यस, आपके पार्टनर आएंगे आपसे मिलने आपके सिटी में। तो एक और नाम मैं मेंशन करना चाहूँगी, उषा अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच उषा जी, आपने अपनी पर्सनल रीडिंग बुक की मेरे साथ और मैंने वो डिलीवर कर दी है आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जो आज की रीडिंग है। देख लेते हैं आज डिवाइन ने क्या मैसेज होल्ड करके रखा है, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्या मैसेज डिवाइन का आ रहा है आप लोगों के लिए, आज क्या धमाल होने वाली है आपकी लाइफ में, अपकमिंग डेज और ये मंथ आप लोगों का कैसा रहने वाला है, हम ये चेक करेंगे, ठीक है। क्या होगा आपकी लाइफ में कुछ न्यू। द स्टार, ओके, वेरी गुड। फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये खुद ही निकल के आ गया कार्ड, बहुत जल्दी थी इसे। एस ऑफ कप्स, वाओ, द मून कार्ड, किसी ना किसी को तो जलन रहती ही है बहुत ज़्यादा। द मजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक, एंड द लवर्स, टू ऑफ कप्स ऑफ कोर्स, ओके के। तो ये आई थिंक किसी के करियर की रीडिंग निकल कर आई है। आप कोई भी पर्सन हो सकते हैं अपने लाइफ में जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने लाइफ पीरियड में, बहुत संघर्ष देखा है। तो अभी जो है कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में आने वाली है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आने वाली है, और इस अपॉर्चुनिटी के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी छोटी 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 और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और ओवरऑल कम से कम 7-8 जो है छोटी छोटी इन द सेंस कि एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको काम करने का मौका मिल सकता है, और फिर उनके साथ उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के बाद कुछ और बहुत से छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत सारे आपके सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाएंगे, बेसिकली आपको जो है ना हर जगह से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है इसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, एंड दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू काइंड ऑफ दिस मैजिक, ये जो मून मैजिक करके ये लोग सोच रहे हैं कि आपकी इन चीज़ों को, देखो यहाँ पे मजिशियन भी बैठा हुआ है ऑफ कोर्स, तो कोई जो है ना जादू करके आपके ये किसी भी तरह का कोई भी जादू टोना करके आपकी इस उपलब्धि को रोक देना चाहता है, इन ब्लेसिंग्स को रोक देना चाहता है, तो वो बहुत गलत सोचता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस यहाँ पहले से आकर बैठा हुआ है, ठीक है। ईश्वर का न्याय यहाँ पर पहले से ही आकर बैठ गया है कि हम देखते हैं कौन रोकता है इस बार, बहुत हो गया तुम्हारा ये जादू वाला खेल, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसके बाद आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ आने वाली हैं, बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे आप। देखो जैसे इसके सर पर भी पैसा है, हाथ में भी पैसा है, दोनों पैरों में भी पैसा है, और बिल्कुल टॉप पर बैठा हुआ है, आसपास कितनी सारी प्रॉपर्टी है ना।
लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है आपको, क्योंकि देखो ये जो रेड कलर होता है ना, ये थोड़ा अग्रेसिव होता है, अग्रेशन को शो करता है, ठीक है। और जो ये इसके ऊपर जो थोड़ी सी डार्कर शेड की ये जो इसने शॉल और वट एवर ये इसका जैकेट इसने ओढ़ा हुआ है, इट अपियरिंग लाइक कि कोई भेड़िया जैसा इसके साथ चिपका हुआ है या कुछ नेगेटिव चीज़ इसके साथ चिपकी हुई है। तो थोड़ा सा आपको जो है ना कॉन्शियस रहना है, अपने ही नेगेटिव थाट्स या अपने ही ईगो से थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना या ओवर कॉन्फिडेंस या आपका ईगोस्टिक होना या फिर आपकी आप बोल सकते हैं कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके खुद के ही या कुछ नियर अबाउट लोग आपके आपको कोई शिक्षा ऐसी दे सकते हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है कि ग्राउंडेड रहना है और बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उछलना है आपको, ठीक है। अगर अब आपको आपके जो लेबर है उसका फ्रूट मिलने वाला है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का कुछ भी रिलेशन हो सकता है आपका, ठीक है। और जस्टिस आपके लिए आकर पहले से बैठा हुआ है, तो ये भगवान का न्याय है। यहाँ पर यह है कि अब आपको हक आपका मिलकर ही रहेगा। आपका हक बहुत से लोगों ने पहले बहुत मारने की कोशिश की है, उसे छीनने की कोशिश की है, तो अभी जो है टाइम आ गया है आपके राइज करने का और सूरज की तरह चमकने का, ठीक है। तो अभी क्या है, आप चमकेंगे सूरज की तरह और लोग देखेंगे और जल भून के राख होंगी। और आपका जो करियर है, जैसे ये घोड़े पर बैठकर दौड़ रहा है ना, ये फायर साइन की तरह, जैसे फायर लगती है और एकदम फैल जाती है पूरे जंगल में, बिल्कुल आप ऐसे फैल जाएंगे। यू नो वट, आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हैं और आपका करियर भी इस घोड़े की तरह दौड़ने वाला है। तो थोड़ा सा आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी आपको क्या है, बहुत अच्छी राइड पर जाना है। और कुछ इस इन सभी चीज़ों के साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी आपके जीवन में आने वाली है। ये कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड हो सकती है। और क्योंकि मैंने कहा था आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अप्रैल में क्या होने वाला है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये कोई उपलब्धि आपको अप्रैल के मंथ में ही मिलने वाली है। तो ये अप्रैल में ही आपके साथ होने वाला है, ये उपलब्धि आपको इसी महीने मिलेगी और आने वाले दिनों में मिल सकती है, ठीक है। कुछ लोगों को जिससे बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है, वो लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे दुनिया भर का टोना टोटका करके, कोई जानवरों को बीच में इन्वॉल्व करके, या किसी कीट पतंगे और ये बिच्छू वगैरह टाइप जो चीज़ें हैं इनको बीच में ला के कोशिश करेंगे कि दो लोगों के बीच, दो घरों के बीच, दो जिंदगियों के बीच किसी तरह का छिछ हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की छड़ी उसने पहले ही घुमा दी है। वो बिल्कुल भी इस बार आपके साथ कुछ गलत अन्याय होने नहीं देंगे। बहुत हो गया लोगों का, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आपका और भगवान का भी। यहाँ पर आपको जिस काम के लिए भेजा गया है, अब वो काम ईश्वर आपके हाथों में सौंप रहे हैं और आपको वो लोगों के लिए करना है, ठीक है। इसी के साथ कोई और उपलब्धि आपके जीवन में ऐसी भी आ रही है, किसी का प्यार मिल सकता है आपको, कोई प्यार भरा तोहफा दे सकता है आपको। आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी में आपको नहीं उलझना और बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। कोशिश कीजिए जो अपने आसपास के क्रीपी लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। अपनी कोई इन्फॉर्मेशन उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप उनको मत दीजिए, कोई भी बात उनको मत बताइए कि आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। ऐसा कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उनको हर एक बात बताएं, और उनको आपके बारे में हर एक बात का पता होना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। और मैं टाइम प्रेडिक्शन में से एक कार्ड लूँगी, देखूँगी कि कब तक आपकी लाइफ में, वैसे दो उपलब्धियाँ आ रही हैं, मैंने कहा था ना कि एक आएगी और उसके साथ साथ और भी आएंगी, तो देखते हैं कि एक कार्ड उल्टा है यहाँ पे, कि कब ये उपलब्धि आपकी लाइफ में आ रही है, चेक कर लेते हैं। टाइम
टाइम विल टेल. ओके, टाइम विल टेल. तो देखिए, भगवान ने भी ना सरप्राइज रखा हुआ है आपके लिए, तो ये किसी तरह का सरप्राइज हो सकता है आपके लिए. भगवान आपको एकदम से सरप्राइज करेंगे और कुछ बहुत ही बेहतर आपको देंगे. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना है. बहुत ज़्यादा किसी को कुछ भी बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सरप्राइज करेंगे सब कुछ और सबको एकदम से देंगे, अचानक से देंगे, और चीज़ें आपके लिए बस यूं बदल जाएंगी. तो थोड़ा सा विश्वास रखिए ईश्वर पे और सरेंडर रहिए डिवाइन पे. ईश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं, भले ही उनके हाथ किसी को दिखाई ना दे. ठीक है, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी और कोई नया मैसेज आप लोगों को मिला होगा. बेसिकली आपको करियर से रिलेटेड रीडिंग मिली है आज, और कोई एक और कुछ तोहफा आपको ईश्वर देने वाले हैं. और बेकार लोगों से दूर रहिए. अभी मैं चैनल्ड मैसेजेस में से कुछ मैसेज लूँगी. कुछ लोगों के लिए मैसेज रह गया होगा अगर, तो उनको न्यू मैसेज मिल जाएगा. ठीक है, मैंने कुछ और डेक्स भी ऑर्डर किए हैं, अभी वो आने वाले हैं. एक आज आ जाएगा, फिर मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स लूँगी. एक्चुअली आई एम नॉट इन माई प्लेस, तो इसीलिए मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी, बट ये कुछ दिन का ही है. मैं जल्दी आप लोगों के लिए बहुत सारी वैरायटीज लेकर आऊँगी. ठीक है, ओके, ठीक है. तो मैसेज ले लेते हैं. ठीक है, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट क्लॉक, वेट फॉर योर टाइम. ओके, तो हर किसी के पास एक अपनी अलग ही घड़ी है, अपने नज़रिए से देखते हैं. ऐसा नहीं है भगवान की घड़ी सबसे अलग है, आप अपनी वॉच से देखिए. ठीक है, तो मैसेज ले लेते हैं. स्टे वेयर योर प्रेजेंस इज़ वैल्यूड. तो आपको कहाँ पे रहना है, आपको वहाँ पे रहना है जहाँ की आपकी प्रेजेंस जो है वैल्यू करती है. ठीक है, आपकी प्रेजेंस जो आपको वैल्यू करती है, आपको वहाँ पे रहना है. बी सच अ ब्यूटिफुल सोल दैट पीपल क्रेव योर वाइब्स. तो आप जो हैं, आपको ऐसा ब्यूटिफुल सोल बनना है कि लोग आपके पास आने को तरसें और आपसे बात करने को तरसें, आपसे मिलना चाहें, आपसे कुछ सीखना चाहें, कनेक्ट होना चाहें. साइलेंस इज़ द की टू एवरीथिंग. आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना है, टाइम अपने आप दे लेगा. आपको सिर्फ खामोश रहना है. ठीक है, बिल्कुल खामोश रहेंगे. गॉड टेक्स इट्स पर्सनल व्हेन पीपल मिसट्रीट यू. भगवान इस चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं जब कोई आपको बहुत ज़्यादा मिसट्रीट करता है. ठीक है, किसी ने अगर आपके साथ बुरा बर्ताव किया है तो उन्होंने पर्सनली लिया है, ईगोस्टिकली लिया है, और ऑफ कोर्स वो उसको जो है किसी तरह का पनिश तो ज़रूर करने वाले हैं. कर्मा सेड अ लॉट ऑफ न्यू मनी विल कम इनटू योर लाइफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. तो के तो कुछ हफ्तों में आपके पास कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आने वाला है, कोई बहुत सारा पैसा आने वाला है कहीं से, कुछ अलग हो सकता है ये सोर्स. यू आर इरिप्लेसिबल. तो भाई यू आर यूनिक, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं और इरिप्लेसिबल हैं. ठीक है, कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता. यू हैव अ हीलिंग वॉइस. तो आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा हीलिंग है. आप अपनी बातों से और अपनी आवाज़ से लोगों को हील करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है. अगर लोग आपसे बातें करने से हील होते हैं तो आई थिंक आपको उन्हें हील करना चाहिए, आप उनको जीने की वजह दीजिए. यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड. आप ईश्वर की संतान हैं. एवरीथिंग कम्स टू यू एट राइट टाइम. तो कोई भी चीज़, हर एक चीज़ आपके पास बिल्कुल सही समय पर आएगी. थोड़ा पेशेंटली चलिए प्लीज़. ओके, तो किसी के लिए फ्री विश आई है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इस पे अपने लिए और आपको वो विश मिल जाएगी. यू हैव एन एंजल हार्ट. आपके पास एक एंजल हार्ट है, आपका दिल एक एंजल के जैसा है, एक एंजल का हार्ट है आपके पास. बहुत काइंड हो सकते हैं आप, आपका दिल बहुत ज़्यादा काइंड हो सकता है, बहुत ज़्यादा कोमल हो सकता है. शायद बहुत दयालु होंगे आप, बहुत ज़्यादा लविंग भी होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे लोगों से आप, बहुत ज़्यादा दिया होगा आपने लोगों को. योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब. तो जैसी आपकी वाइब्स हैं आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यू आर एन एंजल, आप एंजल हैं, तो ऑफकोर्स आप अपने ही टाइप के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. वैम्पायर और इविल आई लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो जलेंगे आपसे.
आई मिस यू, समवन इज मिसिंग यू. यू हैव स्पोकन आईज, ओके, तो आपकी आंखें भी बहुत बोलती हैं, आपकी आंखों के पास भी एक वॉइस है बहुत अच्छी वाली. ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजंस कम्प्लीटली, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने डिसीजंस को ट्रस्ट कीजिए, अपनी वॉइस को ट्रस्ट कीजिए और अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए. बेसिकली अपनी इंट्यूशंस पर बिलीव कीजिए. आपको अपने इंट्यूशंस पर बिलीव करने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपसे हमेशा सच बोलेंगी. प्रे, बिलीव एंड फॉरगिव, तो आपको कहा जा रहा है कि प्रे कीजिए, बिलीव कीजिए और भूल जाइए क्योंकि ईश्वर ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है. अब आपको वो उसका दुगुना तिगुना और चार गुना करके देंगे. हीलिंग, हीलिंग की ज़रूरत है आपको, या हील हो रहे हैं आप, ईश्वर आपको कर देंगे हील. वेल्दी, आई एक्सेप्ट टू बी रिच, आई एम रेडी टू बिकम रिच, आई एम मिलियनेयर. तो यहाँ पर किसी को कहा जा रहा है, आप सभी को कहा जा रहा है दैट यू आर वेल्दी, यू आर रिच, यू आर रेडी टू बिकम रिच, यू आर गोइंग टू बी रिच. तो ये आपको अफर्म करना है, आप अफर्म कीजिए. देखिए, जब कोई रीडिंग करता है तो ऑफ कोर्स रीडिंग करना इजी नहीं होता, हर कोई नहीं कर सकता है, हर किसी के मैसेजेस आपके साथ एक्यूरेट जा नहीं सकते और हर कोई एक्यूरेट बात बता भी नहीं सकता आपको, ठीक है. तो अगर कोई ऐसा पर्सन आपके आपका मेंटोर है, कोई ऐसा पर्सन आप जिससे रीडिंग लेते हैं या आपको बातें ऐसी बोल रहा है, तो यू नीड टू बी वेरी प्योर ऑन दैट टाइम, पर्टिकुलरली उस टाइम पे तो आप प्योर रह सकते हैं ना. तो आपको जो है वो वाइब्स मिलती हैं जब आप ऐसे लोगों को सुनते हैं, तो आप अफर्म कीजिए, ठीक है. अफर्म कीजिए दैट यस, वी आर वेल्दी, वी आर गोइंग टू रिच, वी आर मिलियनेयर, ठीक है. और जो कुछ लोग उल्टे सीधे मैसेज कभी कभी लिख देता है कोई कोई, तो ऐसे लोग जो हैं अपने लिए खुद ही एक भारी पनिशमेंट को अट्रैक्ट करते हैं. तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर प्लीज़ कीजिए. बाकी तो बहुत अच्छे लोग हैं, 99% लोग बहुत ही अच्छे हैं. बट यस, अगर आप जो भी अपने लिए अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप वही अफॉर्म कीजिए. कुछ भी गलत अफॉर्म करेंगे तो आपके साथ वही होना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि गलत जगह पर आकर आकर आप बहुत गलत बोलते हैं. सही बोलिए, अफॉर्म अच्छा कीजिए, पॉजिटिव कीजिए. नो वन कैन स्टॉप यू, तो अभी कोई आपको रोक नहीं सकता. ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में आकर रहेंगी, इस दुनिया में कोई नहीं है जो अभी आपको रोक सके. न्यू पाथ इज़ अबाउट टू ओपन, तो कोई नया रास्ता आपके लिए अब खुलने को है, तो तैयार हो जाइए, ठीक है. इतने ही मैसेजेस लेंगे आज. आई होप आप लोगों को मेरे मैसेजेस अच्छे लगे होंगे, मेरी रीडिंग अच्छी लगी होंगी आपको. तो इसी के साथ अलविदा लूँगी मैं आप लोगों से. थैंक यू वेरी मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए. थैंक यू वेरी मच.